मैं प्रतिभा आयर। आज एक हम नया चीज सीखेंगे कि मुर्गा पूड़ी कैसे बनाते हैं। आप तो इडली चटनी, इडली और डोसे के साथ हरदम सांभर या चटनी तो खाते ही रहेंगे, पर ये जो मुर्गा पूड़ी है वो एक तरह की पाउडर है, वो तिल के तेल में मिला के खाई जाती है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या सामग्री लगती है। जैसे कि मैंने उड़द दाल ली है, 2 कटोरी भर के उड़द दाल ली है, और 1 कटोरी मतलब उसका आधा चना दाल, और उससे भी आधा तिल और दलिया जो बोलते हैं, ये आधा दलिया है, 1 कटोरी चना दाल, 2 कटोरी उड़द दाल। जो लाल मिर्ची है वो अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, मतलब किसी को जैसे तीखा पसंद है ज़्यादा, कम पसंद है वैसे। हींग लगता है और नमक स्वाद के अनुसार। तो इसे क्या करना है, एक एक करके पहले हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। ये ज़्यादा भी रोस्ट नहीं होना चाहिए, एक थोड़ा सा एक हल्का सा लाल कलर आना चाहिए, दाल थोड़ी कड़क होनी बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छा सा रोस्ट कीजिए एक मध्यम आंच पे। पाँच मिनट तक अच्छे से रोस्ट हो गया है, अभी उड़द दाल थोड़ी ब्राउनिश रेड कलर आ गया है, अभी हम इसको निकाल देंगे। अभी अच्छे से हम चना दाल भी अच्छे से हम रोस्ट करके लेंगे, मध्यम आंच पे करना है हमको, ज़्यादा जलाना भी नहीं है, कच्चा भी नहीं रहना चाहिए। ये चना दाल जो है वो हमें एकदम धीमे आंच पे सेकना है, क्योंकि क्या है ये जल्दी लाल हो जाता है, तो अच्छी तरह सेकना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा कड़क होना चाहिए, सफ़ेद तेल, ये आपको ज़्यादा भूनना नहीं है क्योंकि ये जल्दी गर्म हो जाता है, हल्के से करना है एकदम स्लो आंच पे। अभी हमने दलिया डाला है, ये भी कंटिन्यू आपको हिलाते रहना है क्योंकि इसको गर्म होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा लाल भी नहीं करना है और कंटिन्यू आपको हिलाते रहना है। अभी हम इसको निकाल देंगे। अभी हम लाल मिर्ची को थोड़ा सेक लेंगे, 100 ग्राम मिर्ची लिया है, इसका डेट निकाला है, और आपको थोड़ा खांसी आएगी इसलिए फ्राई करना है। हाथ से हम मिर्ची फ्राई कर रहे हैं, थोड़ा इसमें तेल डाला है 1 स्पून, थोड़ा खांसी ना आए इसके लिए, अच्छे से फ्राई करना है, कंटिन्यू आपको हिलाते रहना है। मिर्ची अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, अभी हम इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे, ठीक है। अभी ये सारा चीज़ हमारा हो गया है, ये फ्राई करके हो गया अच्छी तरह से, मिर्ची हो गई फ्राई करके, नमक स्वाद अनुसार रखा है। सारा चीज़ हमने एक बाउल में लिया है, अभी इसमें थोड़ा जरूर जैसे भी जिसको लगता है वैसे नमक डालें, मैंने 3 स्पून लिया है, और अभी हम मिक्सी में ये पीसेंगे। अभी हम ये सारा चीज़ें मिक्सर में इसका अच्छा फाइन भी ज़्यादा फाइन भी नहीं ज़्यादा कम भी नहीं, इसे मीडियम में एक पाउडर बनाएंगे, सूखा पाउडर बनाएंगे। मिक्सी में पीसने के पहले ये सब चीज़ें ठंडी होनी बहुत ज़रूरी है, ठंडा करने के बाद ही हमें इसका पाउडर बनाना है। पहले हम मिर्ची पीस के लेंगे, बाकी की चीज़ें हम अलग से मिक्सर में पीस के लेंगे, हमें ज़्यादा भी फाइन पीसना नहीं है, मीडियम पीसना है। ये इस तरह पाउडर हो गई है, ज़्यादा फाइन भी नहीं है, मीडियम पीसा है। ये पहले जो मिर्च पीस के रखा था उसमें अब हम सब मिक्स करेंगे। नमक टेस्ट करके देखिए, अगर कम है तो आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह आपकी ये मुर्गा पूड़ी तैयार हो गई। इसमें तिल के तेल में मिक्स करके थोड़ा सा पाउडर लेके तिल के तेल के साथ आप डोसा या इडली के साथ खा सकते हैं।
बार मिक्सी में लेके पीसना है ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अभी ये दोबारा हमने पीस के लिया है और अच्छी तरह से अभी मिक्स हो गया है। ये हो गई आपकी मुर्गा पूड़ी तैयार। अब ये थोड़ा सा पाउडर लेके, मुर्गा पूड़ी का पाउडर लेके इसमें तिल का तेल डाला है और जब भी आपको चाहिए तभी आप ये ऐसा बना के खा सकते हैं। और ये पाउडर हमको ऐसे ही सूखा रखना है, ये ऐसे।